अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करने वाले शोएब अख्तर ने कई खिलाड़ियों को घायल करके ग्राउंड से बाहर भेजा है। और गैरी क्रिस्टन की इंजरी को भला कौन भुला सकता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अपनी गति से बल्लेबाजों को आतंकित करने की क्षमता रखते थे। शोएब को दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। शोएब हमेशा से ही अपनी घातक बाउंसर और यॉर्कर के लिए मशहूर रहे हैं। हाल ही में शोएब ने एक ट्वीट करके बताया कि अपने करियर में उन्होंने 19 बल्लेबाजों को चोटिल करके मैदान से बाहर जाने को मजबूर किया। हालांकि शोएब ने यह भी कहा कि बल्लेबाजों को अपनी गेंद पर चोटिल करके उन्हें कभी मजा नहीं आया, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा था जिसे वो बुरी तरह से अपनी गेंद से हिट करना चाहते थे। शोएब ने एक ट्वीट करके बताया कि अपने खेलने के दिनों में वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को चोटिल करना चाहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा कई बार प्रैक्टिस और टेस्ट में भी किया, हालांकि वो लोग अब अच्छे दोस्त हैं। शोएब ने हेडन की तारीफ करते हुए लिखा कि हालांकि हम अच्छे दोस्त हैं, मैं अब तक जिन उदार लोगों से मिला हूँ हेडन उनमें से एक है। शोएब की गेंदबाजी का लोहा बड़े बड़े बल्लेबाज मानते हैं। खुद महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू में ये बात मानी कि करियर में सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें शोएब की गेंद खेलने में ही होती थी। धोनी ने बताया, मेरे जैसे सीमित तकनीक वाले बल्लेबाज के लिए वैसे तो किसी भी तेज गेंदबाज को खेलना मुश्किल होता है, लेकिन यदि किसी एक गेंदबाज को चुनना हो तो मैं निश्चित रूप से शोएब अख्तर का ही नाम लूंगा। वे बेहद तेज थे और यॉर्कर के साथ साथ घातक बाउंसर भी फेंकते थे। गौरतलब है कि शोएब संन्यास के बाद कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं और कई भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। NMF News की रिपोर्ट।